हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। एक्चुअली फ्रेंड्स, हमारा एक और नया चैनल आया है मनी की रसोई से। वहाँ पे आपको डिलीशियस जो है खाना किस तरह से बनाया जाता है उसके रेसिपीज़ मिलेंगे। फुल इंडियन आपको रेसिपीज़ मिलेगा जिसको आपको बना करके जब आप उसका आनंद उठाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो मनी की रसोई जो नया चैनल है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं अच्छे अच्छे डिशेज़ के लिए, अच्छे अच्छे बोल सकते हैं कि घर के खाने के लिए, क्योंकि अभी लॉकडाउन में बहुत सारे लोग बाहर रह रहे हैं और उनको किन्हीं को तो बनाने नहीं आता है और जो बनाते हैं उतना अच्छा नहीं बनता है। तो उनको ये चैनल डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए जो इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं मेरे पास कि क्या बिहार का जो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला था कैंसिल होने वाला है। एक्चुअली बहुत सारे लोग ये फेक न्यूज़ भी दे रहे हैं, लेकिन फ्रेंड्स एग्जैक्ट अगर बोला जाए, अगर कन्फर्म न्यूज़ बोला जाए तो कुछ भी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया हुआ है। बट दो तीन न्यूज़ ये जो है वायरल हो रहे हैं कि क्या बीएड जो है बीएड एंट्रेंस 2020 जो है वो कैंसिल किया जाएगा, क्योंकि पहले बोला गया था कि अगस्त एंड सितंबर मंथ में ही नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन अभी तक कोई नोटिस नहीं आया है। जैसे कि आप जानते हैं कि यूपी में एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कर लिया गया है, लेकिन जब यूपी में कंडक्ट किया गया तो उसका बहुत ही बुरा हाल देखने को मिला। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं पॉजिटिव हो गए और ये भी हुआ कि वहाँ पे कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग किसी भी तरह का जो है रूल फॉलो नहीं किया गया। इसीलिए बिहार गवर्नमेंट अभी सोच रही है कैसे की जाए। तो इसके लिए दो ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन तो ये जाता है कि हो सकता है कि ऑनलाइन कंडक्ट करवा लिया जाएगा, या फिर फिज़िकल अगर लिया जाता है तो उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है तो उसको डिले किया जाएगा। हो सकता है सितंबर अक्टूबर तक के लिए सोचा जाए कि कुछ हो, लेकिन अभी अगर कोई नोटिफिकेशन आता है तो वो निगेटिव नोटिफिकेशन ही होगा, तो अभी कुछ बोल नहीं सकते हैं। कैंसिल तो अभी होने का कोई चांस नहीं है, कंडक्ट करवाया जाएगा। आप लोग अपना प्रिपरेशन करते रहिए, इमीडिएट कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। अगस्त में ही आने वाला था, अगस्त अप्रॉक्सीमेटली कंप्लीट हो चुका है, सितंबर है, सितंबर में कोई ना कोई नोटिफिकेशन इसके रिगार्डिंग आएगा। कैंसिल होने के चांसेस जो हैं मैं बोल सकती हूँ 10% है। आपके ऑनलाइन जो है एग्ज़ाम कंडक्ट होने के चांसेस जो है 50% है, और 40% बोल सकते हैं कि जो है फिज़िकल होने के चांसेस हैं। तो इस तरह से डिवाइड हुआ है रेशियो। मैं बात भी की हूँ बहुत सारे लोगों से, तो वो लोग अभी भी कुछ डिसाइड कर ही नहीं पाए हैं, इसलिए वो भी कुछ आंसर नहीं दे पा रहे। वो बोल रहे हैं कि इसके रिगार्डिंग हम लोग की मीटिंग होने वाली है। मीटिंग हो जाती है तब हम लोग, अगर मेरे पास कुछ भी इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग आएगा तो मैं आपको डेफिनेटली दूंगी। तब तक आप इसके लिए टेंशन मत लीजिए और प्रिपरेशन करते रहिए कि क्या होगा। लेकिन हाँ, कैंसिलेशन का चांसेस अभी बहुत कम है। बीएड एंट्रेंस 2020 बिहार का अभी चांस बहुत कम है। बट यूपी बिहार जो एंट्रेंस लिया उसमें बहुत निगेटिव फीडबैक आया है, तो इसलिए बिहार वाले अभी चुप हैं और अभी कोई स्टेप नहीं ले रहे। इसके रिगार्डिंग कोई भी न्यूज़ आएगा तो डेफिनेटली मैं आपको दूंगी। फ्रेंड्स, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कीजिए, उनको भी बताइए इस चैनल के बारे में, और हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कीजिए। कोई भी क्वेरीज हो रिगार्डिंग बीएड एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ऑफ टीचिंग तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, टिल देन हैव अ नाइस डे।